मॉर्निंग एयर सेकंड ईयर के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पेपर 5 जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेल्फ स्वयं के अवधारणा के अंतर्गत पहले यूनिट के सिलेबस के अंतर्गत यूनिट हमने एक पहले यूनिट का 1.1 का सिलेबस जान लिया। उसके बाद में हम 1.2 के सिलेबस के बारे में आज हम जानकारी हासिल करेंगे, जिसके अंतर्गत है अभिप्रेरणा तथा उपलब्धि अभिप्रेरणा और उपलब्धि अभिप्रेरणा के बारे में हम इस यूनिट के अंदर विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत अभिप्रेरणा क्या होता है? अभिप्रेरणा एक ऐसा अभिप्रेरणा इंग्लिश के मोटिवेशन से पता है, जिसका अर्थ होता है किसी भी कार्य के लिए किसी भी व्यक्ति को प्रेरित करना अभिप्रेरणा कहलाते हैं। तो अभिप्रेरणा जिसके अंतर्गत हम इस यूनिट के अंदर करेंगे, अभिप्रेरणा का अर्थ और प्रकृति अभिप्रेरणा के जिसके अंदर अभिप्रेरणा का अर्थ पढ़ेंगे, उसके बाद में अभिप्रेरणा की प्रकृति परिभाषा और उसके बाद में उसके रूपरेखा के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट है शिक्षा में अभिप्रेरणा का महत्व क्या है। नेक्स्ट पॉइंट में हम पढ़ेंगे शिक्षा के क्षेत्र में मोटिवेशन शब्द का क्या महत्व है। अभिप्रेरणा शिक्षा को किस प्रकार से आगे बढ़ाने में सहायक है और शिक्षा के क्षेत्र में अभिप्रेरणा का क्या योगदान, इसके बारे में हम जानकारी हम प्राप्त करेंगे। नेक्स्ट है अभिप्रेरणा के प्रकार का सिद्धांत। तीसरे पॉइंट के अंदर हम पढ़ेंगे अभिप्रेरणा के कौन कौन से प्रकार है, किस प्रकार के हैं, कितने प्रकार हैं, इसके कौन कौन से सिद्धांत हैं, इन सभी के बारे में हम पढ़ेंगे इस यूनिट के अंदर से। फिर अभिप्रेरणा के स्रोत, अभिप्रेरणा हमें कहाँ से प्राप्त होती है, उस अभिप्रेरणा प्राप्ति के विभिन्न स्रोतों के बारे में भी हम इस यूनिट के माध्यम से जानकारी को हासिल करेंगे। अब श्रेष्ठता प्राप्ति के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को श्रेष्ठ बनाने के अंतर्गत अभिप्रेरणा के उपलब्धि का महत्व क्या है, और भी व्यक्ति जैसे श्रेष्ठ बन रहा है इसके अंदर इसके पीछे अभिप्रेरणा का क्या हाथ होता है, उसके बारे में भी हम इस यूनिट के माध्यम से जानकारी को प्राप्त करेंगे। फिर इसके बाद में एंटीकेंस तथा मैकलिलैंड का उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत। वहाँ दो दास लिखे हैं जिसका नाम है एंटीकेंस तथा मैकलिलैंड का उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत, अभी हम इस यूनिट के माध्यम से वर्णन करेंगे, जिसके अंतर्गत हमें विभिन्न प्रकार के सिद्धांतों से अभिप्रेरणा से संबंधित विभिन्न प्रकार की जानकारी है वो प्राप्त होगी। नेक्स्ट है लक्ष्य निर्धारण का महत्व व लक्ष्य प्राप्ति। शिक्षा के क्षेत्र में लक्ष्य का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है। तो लक्ष्य का निर्धारण किस प्रकार से किया जाता है, लक्ष्य को किस प्रकार से अभिप्रेरणा के माध्यम से प्राप्त किया जाता है, इसके बारे में भी इस यूनिट के अंतर्गत हम विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। उसके बाद में शिक्षण व्यवसाय में स्वयं के वास्तविकरण की प्राप्ति। शिक्षण एक शिक्षक के शिक्षा के क्षेत्र में जब हम कार्य करते हैं तो उसके अंदर स्वयं के उपस्थिति किस प्रकार हमें प्राप्त होती है, उसके बारे में भी जानकारी है जो इस यूनिट के माध्यम से हमें इसका जरूर मिलेगी। फिर आत्मवास्तविकरण क्या है? आत्मवास्तविकरण का होता है स्वयं की वास्तविक स्थिति के बारे में जानना तथा आवश्यकता की गतिविधियां करनी पड़ती है उसके संबंध में भी जानकारी है वो इस यूनिट के माध्यम से दी जाएगी। नेक्स्ट है मास्लो के अनुसार आवश्यकता पूर्ति हेतु परिस्थिति। मास्लो एक महान दार्शनिक है जिसके अंतर्गत उन्होंने बताया है कि आत्मवास्तविकरण की प्राप्ति के लिए उन्हें किस प्रकार की उनके सामने परिस्थितियाँ आ रही है, जिसके वजह से वह अपनी आवश्यकता की पूर्ति है वो उन परिस्थितियों के अनुसार कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में भी हम इस यूनिट के माध्यम से जान सकेंगे। नेक्स्ट है आत्मवास्तविकरण के सिद्धांतों का शैक्षिक महत्व। आत्मवास्तविकरण के सिद्धांत का शिक्षा के क्षेत्र में क्या महत्व है, किस प्रकार से आत्मवास्तविकरण के माध्यम से अपने शिक्षण कार्य को सुचारू रूप से संचालन कर सकते हैं और शिक्षा के क्षेत्र में हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं, इस प्रकार से आत्मवास्तविकरण का शिक्षा के क्षेत्र में विशेष महत्व है, उसके बारे में हम जानकारी
करेंगे इस प्रकार से। फर्स्ट 1.2 यूनिट के अंदर हम अभिप्रेरणा अभिप्रेरणा के बारे में विस्तारपूर्वक अध्ययन करेंगे आज की क्लास में। इतना ही, नेक्स्ट हम दूसरे यूनिट के बारे में आपको आगे के